जान दांव पर लगाई हमने और हीरो वो बन गए जो बेहोश हो गए ससुर। छोड़, तू भी मत। जीते, न्यूज़ उसकी बनती है जिसे लोग देखना चाहते हैं। पुलिस अगर अपनी ड्यूटी पे मर भी जाए ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हीरो लोग बीमार भी हो जाए तो लोग उपवास रखने लगते हैं। इट्स ओके, वैसे भी हमने ये वर्दी टीवी और पब्लिसिटी के लिए नहीं पहनी है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए पहनी है। मैं यहाँ मेरी जान बचाने के लिए आप सबको थैंक यू और अपने बुरे बर्ताव के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फर्क होता है आज मैं जान गया, एंड थैंक यू आप सबको। आप लोगों ने मुझे बताया एक मामूली कपड़ा और एक वर्दी में क्या फर्क होता है। अच्छा लगा ये जानकर कि आपको ये वर्दी, वर्दी के अंदर का इंसान और उनकी कुर्बानियों की अहमियत का एहसास हुआ। पुष्पा जी, जी लेकिन माफी आपको किसी और से मांगनी चाहिए। कैमरा ऑन है क्या? नहीं, कर लीजिए। डैडी आज अगर मैं जिंदा हूं तो आपकी और आपकी टीम की वजह से। मेरी जिंदगी आपकी इस महिला पुलिस थाने की हमेशा कर्जदार रहेगी, अब तक की मेरी सारी बदतमीजियों के लिए। मुझे आप सब लोग माफ कर दीजिए। थैंक यू। एक सैल्यूट मेरी तरफ से भी। अब चलो भी जल्दी, हमारे लल्ला के तो नसीबी फूट गए। चलो भी, यहाँ है। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, हर जगह देर से पहुंचना जरूरी है क्या? हर जगह टाइम पे पहुंचना भी जरूरी है क्या? चार पांच मिनट दूर चलता है। बैठ। नहीं चलता, वो बुकिंग वाले ने कहा था समय पर आ जाए हॉल बुकिंग करने के बैठ, लिए बैठ, हाँ, समझ गई ना? पर ना बाकी के महिला थानों से भी इंक्वायरी आ रही है उसको डांस प्रैक्टिस के लिए। आपका ये महिला पुलिस थाना डांस कॉम्पिटिशन हो गया, पता नहीं पानीपत का लड़ाई हो गया। हाँ, चलो चलो अभी चलो जल्दी। हाँ, चलो अजी क्या हुआ? क्लास कैंसिल हो गई? कोई बात नहीं, हमें बताइए कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे। अरे एक ही कॉलेज के छात्र हैं हम, हमें अपना ही समझिए। अरे सुनिए, सुनिए ना। हेलो, अरे क्या हुआ मैडम जी? अरे इतनी देर से बुला रहे हैं आपको और आप सुन ही नहीं रही हैं। आइए बैठिए, शहर घुमा देते हैं आपको। अरे चलिए। तो चलना पड़ेगा मैडम। चलिए ना, शर्म क्यों? भैया कहाँ जाने का जल्दी है? हमारे बाइक पे बैठे हो, तुमको थाने का दर्शन कराते हैं और तुमको बताते हैं कि महिलाओं का इज्जत कैसे किया जाता है। तो बिना हेलमेट पहन के हमारे सामने टोपा गिरी कर रहे हो तुम। भाई तो मैडम लग रहा है लड़कियों को। मैडम रुकिए एक मिनट, बात तो सुनिए हमारी। मैडम भाग, लगा इधर बाइक, इधर आ, इधर आ। पुष्पा जी
जरा पुष्पा जी, हम इनको लेकर थाना आते हैं, आप इन लड़कियों को लेकर थाना जाइए और FIR लिखवाइए जल्दी। हाँ ठीक है, हम जाते हैं। चलो मैडम जी, सही नहीं कर रही हैं। अरे ए, सुनो तो बेटा। हे बेटा, मेरा दरवाजा। हे भगवान, धरती से क्राइम खत्म करो ताकि मैं अपने घर में चैन से रह सकूं। मैं थक चुका हूं बार बार अपना लॉकअप शेयर कर कर। अम्मा तुम चुप रहो। गलत कर रही है मैडम, हम ला के छात्र हैं, कानून जानते हैं हम भी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये नए मेहमान कौन है? मैडम सर, ये खुलेआम लड़कियों को छेड़ रहे थे, लफंगा गिरी कर रहे थे, हाथ तक पकड़ लिया इसलिए लॉकअप में डाले। क्या या इससे घटिया काम करने वाले के साथ ये मेरा लॉकअप शेयर करवा? निकाल अभी के अभी बाहर निकाल, वरना बेकार में यही बात मुझे गिड़गिड़ाकर कहनी पड़ेगी। मैडम सर, मुझे मजबूर मत करो इनके साथ ये मेरा लॉकअप शेयर करने के लिए। निकालो प्लीज प्लीज। सिर्फ माई लेवल, माई सीनियरिटी, माई डाइजेस्टिविटी, डिग्निटी। हाँ भाई भाई, डिग्निटी प्लीज प्लीज। अरे झूठ बोल रहे हैं सब, हमने नहीं किसी को छेड़ा वेड़ा। और अगर छेड़ा है तो है कोई सबूत आपके पास? कोई विटनेस, कोई कंप्लेन, कोई रिपोर्ट, कोई FIR है तो लाइए फिर। एक तो लड़कियों को छेड़ते हो, ऊपर से हमको कानून सिखाते हो तुम। करिश्मा सिंह, मैडम सर पक्का काम किया है इस बार, FIR भी अभी हो जाएगी। हमने पुष्पा जी को बोला था लड़कियों को साथ में, वो देखो आ गई पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, आपको करिश्मा मैडम ने कहा था ना लड़कियों को भी साथ में लाना, अब भूल गई? नहीं नहीं, भूले नहीं हम। मैडम सर, वो लड़कियां FIR लिखवाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। हाँ, हमारे कुछ कहने सुनने से पहले ही वहां से चली गई। देखिए ना, अपनी किताब तक लेकर नहीं गई वो। एक काम कहा था पुष्पा जी आपको, एक काम आप वो भी ठीक से नहीं कर पाई तो हम क्या करते, जबरदस्ती पकड़ कर लाते उनको। हाँ तो उनको समझाना था ना पुष्पा जी की। मौका ही नहीं मिला ना हमको कुछ समझाने का, वो तो भाग गई ना वहाँ से। हाँ तो पकड़ना था ना भागकर, उनको समझाना था कितना जरूरी होता है FIR। आपको पता है ना हम ज्यादा भाग नहीं सकते, भागने से हमारी सांस फूलती है। तो फूलेंगी ना, जब पूरे शहर का गोलगप्पा लाके यहाँ बैठ के खाएंगी तो सांस नहीं फूलेगी। तो देखिए हम कमाते हैं तो खाते, अपने खाते का खाते। अरे खत्म होगा कभी। क्या हुआ मैडम जी, नहीं हुई FIR, भाग गई लड़कियां। तो हमें क्यों यहाँ बंद करके रखा है? खोलिए लोकअप, आजाद कीजिए हमें भी। अरे कोई अधिकार नहीं है आपको बिना रिपोर्ट के अंदर रखना, खोलिए दरवाजा। करिश्मा सिंह रुकिए, छोड़िए उन्हें। संतोष लॉकअप खोलो। चलो चलो चलो। इस बार भगवान ने जल्दी सुन ली। कैसा लगा डांस हमारा पुष्पा जी? क्या लगता है आपको कि इंटर महिला पुलिस थाना डांस कंपटीशन में हम भाग ले सकते हैं? भाग ले भाग ले। हाँ भाग ले। अरे पगले, भाग ले मतलब इस कंपटीशन में हिस्सा ले, जीता तू जीत जाएगा। अरे एक मिनट चुप रहो ना यार तुम। संतु जी, क्या लगता है आपको कि पर्सनली हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा डांस? देख चीते, डांस तो तेरा बहुत अच्छा है। थैंक यू। पर तू ये महिला पुलिस थाने के डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। काहे? क्योंकि तू लड़की नहीं है, इस कॉम्पिटिशन में केवल महिला ही भाग ले सकती है इसीलिए। संतु जी, हम भी तो थाना के हिस्सा है ना। हाँ है, मगर डांस की टीम का नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़कियां ही भाग ले सकती है। और अगर तुमको डांस करना है तो तुमको लड़की बनना पड़ेगा। बताओ बनोगे लड़की? नहीं ना, तो फिर अभी बात खत्म, दोबारा मत पूछना। और तुम दोनों जाओ ना अपना काम करो, हमें डांस प्रैक्टिस करने दो। और जाओ उस नकचड़ी को बुलाओ। हसीना मैडम। कौन है नकचड़ी? कौन है? करिश्मा मैडम। हाँ तुम उसको बुलाओ, हम जा रहे हैं हसीना मैडम को बुलाने। हाँ चलो, वरना जाके बोल देगी आपको नकचड़ी बोला। बड़ा मन था संतु जी के साथ नाचने का यार बिल्ले, इट वाज माय ड्रीम। वाज? अरे इज
अरे पुष्पा जी आइडिया देखी गई है ना, लड़की बन जा। काहे पगलेती करते हो बे, तुम काहे? हम लड़की बन जाएंगे तो शादी कैसे करेंगे संतू जी से? कैसे कैसे पुलिस में भर्ती किया तुमको? अरे लड़की बन जाओ मतलब गेटअप चेंज करो, मेकअप करो, लड़की बन जाओ कोरियोग्राफर डांसर। हसीना मैडम बोल रही थी कि डांस सिखाने के लिए कोई कोरियोग्राफर चाहिए, तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो ये देखो डांसर कोरियोग्राफर नहीं। कैसे कैसे इतना सफल चोर बन गए बे तुम, कैसे हैं? कोरियोग्राफर बन भी जाएंगे तो संतू जी के साथ स्टेज पर चढ़कर नहीं नाच पाएंगे ना ससुरे। अरे स्टेज पर नाचना तो एक ही बार होगा लेकिन रिहर्सल बार बार होगा। संतोष जी ऐसे नहीं करते, ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, बार बार टच होगा। और ये देखो तक दिन तक दिन ता, तक दिन तक दिन ता। लेकिन सर आप, सवाल ये है मिस मलिक कि बिना एफआईआर के तुम्हारे ऑफिसर ने उन लड़कों के साथ मारपीट की? क्योंकि वो लड़के उन लड़कियों को सरेआम सड़क पर छेड़ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ, बस उन लड़कियों ने एफआईआर नहीं लिखवाया। हो सकता है डर गई हो, पुलिस के पास आने से कतरा रही हूँ। हमें मत सिखाओ मिस मलिक। पर सरकार ने महिला पुलिस थाना क्यों खोला है बताइए भला? अरे महिलाएं आपके साथ अपनी बात शेयर कर सके, आपसे खुद के बात कर सके, आपसे अपनी कंप्लेंट बता सके, सारी चीजें इसलिए हैं। समझ गई? जब महिलाओं का काम ही नहीं होगा तो आपने महिलाओं का भरोसा ही नहीं जीता तो क्या आवश्यकता है महिला पुलिस थाने की बताइए? महिला पुलिस थाना बंद करके सामान्य पुलिस थाना खोल देते हैं? नहीं नहीं सर, आप बस हमें दो दिन का वक्त दीजिए, हम किसी भी कीमत पर एफआईआर लाएंगे और ये केस ऑफिशियली रजिस्टर करेंगे, बस दो दिन। दीजिए मिस मलिक, वरना मजबूरन हमें ही कुछ करना होगा। होप यू अंडरस्टैंड। जी सर, जय हिंद। मैडम सर। जी क्या हुआ मैडम सर? क्या हो सकता है करिश्मा मैडम? हमें समझ नहीं आता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो कोई भी काम सोच समझ कर नहीं कर सकती। अब आपको हमारे दर्द का एहसास हो रहा है ना? हाँ वो डांस प्रैक्टिस के लिए आपको बुलाने आई थी। थाना बचेगा तो कंपटीशन होगा ना पुष्पा जी। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर, क्या बात है? बहुत इजी है करिश्मा मैडम, देखो पहले हाथ ऐसे और पैर ऐसे, फिर टर्न और हाथ अपने पास लाना, फिर एक वेव करके दो बार चुटकी, ठीक है? ये तुमको आसान लगता है? ये इजी बोलती हो तुम? हाँ हाँ आप भी कर सकते हो, करके दिखाओ, चलो आ जाओ। पैर ऐसे करो, एक मिनट रुको। हाँ कैसे? पैर ऐसे ऐसे। हाँ हाथ ऐसे ऐसे। फिर उड़ना नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। या हाँ फिर टर्न और दो बार ऐसे। अच्छा हटाओ यार, हमसे नहीं होता है ये सब। हम नचा सकते हैं लेकिन हम ये नाच नहीं सकते हैं। थोड़ा इजी वाला बताओ, घूम लो। वाह क्या बात है, स्टाइल है भाई, मजाक थोड़ी है। इनके स्टाइल के चर्चे तो पूरे डिपार्टमेंट में हो रहे हैं और हेडक्वार्टर तक पहुंची है इनके कारनामों की चर्चा। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, मैडम सर को कॉल भी आया था, आने वाले 15 अगस्त को इनके कारनामों की वजह से इनको मेडल मिलने वाला है। नहीं सच्ची कांग्रेचुलेशंस। बाद में पुष्पा जी। हाँ जी, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें कुछ ताना टाइप का मार रहे हैं? बताइए, इनको अभी भी लग ही रहा है। मार रहे हम आपको ताना। ये जो बिना एफआईआर के आपने उन लड़कों को पीटा है ना, उस थप्पड़ की गूंज हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी है। डीएसपी साहब का फोन आया था इनको, एफआईआर दर्ज नहीं हुई ना तो ये थाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, वार्निंग मिली है सबको। मतलब डांस कैंसिल? हाँ संतू कैंसिल। मैडम सर अगर ऐसा बात है ना तो एफआईआर हम आपको लाके देंगे और हम ये थाना बंद नहीं होने देंगे। आप तो रहने ही दीजिए, आप जो कारनामे करके आती हैं उसकी वाहवाही हमें सुननी पड़ती है, इसलिए थाना भी हम ही बचाएंगे
और FIR भी हम ही लेकर आएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट मैडम सर, पर आप दोनों का एक ही एम है, तो आप दोनों कोशिश कीजिए ना। मेन मुद्दा तो थाना बचाने का है ना, एक से भले दो। वैसे बात तो सही है, मुद्दा तो थाना बचाना ही है, एक से भले दो। प्रैक्टिस स्टार्ट करें। पुष्पा जी यही है ना अनु? नहीं मैडम, वो बुक तो खत्म हो गया। भैया हमको वही वाली बुक चाहिए, हमारी बुक खो गई है, हमको उसकी कॉपी लाके दो आप। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी खोई किताब हमारे पास है। ये बुक आपके पास? अनु जायसवाल, लॉ स्टूडेंट जी। ये बुक तुम्हारी है जी? हम कैसे मान लें? सेक्शन 294 क्या है ये बताओ। भारतीय दंड संहिता 294 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे आदमी को चिढ़ाने के लिए अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत या कोई अश्लील कथा गीत गाना या शब्द बोलता या गाता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास जो कि 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या फिर कोई आर्थिक दंड या दोनों मिलेगा। गुड, वेरी गुड, ये लो। पर आप बताते हैं, पहले ये बताओ कि तुम लॉ स्टूडेंट हो, कानून पढ़ रही हो, जाहिर है कानून का सम्मान भी करते हो, लेकिन भरोसा नहीं करती, ऐसा क्यों? कल जब लड़कों ने तुम्हें छेड़ा तो तुमने FIR क्यों नहीं की? हमें हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना। प्लीज रिलैक्स, हम सिर्फ आपसे बात करने आए। अनु हम पुलिस हैं, आप लोगों को प्रोटेक्ट करना, कानून पर लोगों का भरोसा बनाए रखना, यही हमारा काम है। और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें थाने आने तक की जरूरत नहीं, बस FIR करो, जो एक्शन लेंगे हम लेंगे। आप क्या एक्शन लेंगी मैम? कि आप भी जानती कि जिस IPC की धारा 294 के तहत आप उन्हें अरेस्ट करेंगी वो एक बेलेबल क्राइम है। आप उन्हें आज गिरफ्तार करेंगी वो कल छूट जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? वो फिर आएंगे, हमें फिर से छेड़ेंगे, फिर से मिसबिहेव करेंगे, और शायद इस बार हद भी पार कर जाएं। आप उन्हें फिर से अरेस्ट करेंगी वो फिर से छूट जाएंगे, इससे क्या बदलेगा मैम? कुछ भी तो नहीं, उल्टा हमारे घर वाले हमें घर से निकलने नहीं देंगे, उन लोगों की गलती की सजा हमें मिलेगी। नहीं मैम, हमें कोई FIR दर्ज नहीं करवानी। हाँ हम इतना करेंगे कि कल से हम सब उस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। आज भी कितना कुछ सहना पड़ता है लड़कियों को हमारे देश में। करिश्मा मैडम को इसे ही एक FIR मिल जाए। आओ जल्दी, तो इतना दूर है, कुछ दिखाएं। तुम दूर भी निकालो ना। हाँ। मैं जल्दी करो। हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा? हाँ। आप बात कर रही हो, अंधेरा छाया हुआ। मैं खदी, अब देखो। हाँ, क्या दिखाई दे रही है? साड़ी कुर्ते वाली दुकान दिखाई दे रही है, और आइसक्रीम। क्या हुआ? आइसक्रीम पे तो एक पे एक ऑफर है। अम्म को तपाओ मत तुम, जितना काम दिया ना तुमको उतना ही करो, समझे? लड़के दिखाई दे रहे कि नहीं? देखते देखते आइसक्रीम दिखे 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 दिखे। हाँ, क्या करे? चाय की ठेली पे टाइम पास करे। टाइम पास? अभी वहाँ महिला जरूर आएगी, और जैसी महिला आएगी ये तो आदत से मजबूर है, महिला को छेड़ेंगे, और जैसी छेड़ेंगे ना वहाँ जाके FIR ले लेंगे, काम खत्म। देखती हूँ इन दोनों को कौन बचाता है। तुम जैसी कुछ गड़बड़ का हुआ? दर्द हो रहा है। हाँ तो तुम्हें कौन बोला ऐसा झुक के देखने का? यहाँ से भी उतना ही दिखेगा संतू। अच्छा,
तुम देखो कुछ गड़बड़ होगा तो हमें बताओ। हाँ। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? अरे हमें बताओ, हम छोड़ देते हैं। लड़कियाँ 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 आया। हाँ। कुछ गड़बड़ हो रहेगा। अरे मैडम आप ही से बात कर रहे हैं। छेड़ रहे हैं। हम अरे हम छोड़ देते हैं ना आपको। नहीं बताए? मैं चली जाऊंगी मैं। अरे ऐसे कैसे? अरे मैडम सुनिए तो, हमें भी साथ ले चलिए मैडम। अरे मैडम जल्दी कहाँ है? हाथ भी पकड़ लिया। मैया का गंगा मैया। कितने खूबसूरत हाथ है आपके। वैसे पास में एक कॉफी शॉप है, आप चाहिए तो एक एक कप कॉफी हो जाए। नहीं नहीं नहीं। अरे चलिए ना। नहीं, नहीं, मुझे जाना है। अरे बस एक कप कॉफी छोड़िए ना। अरे चलिए ना। छोड़िए ना। अरे कुछ नहीं होता। छोड़िए ना। अरे चलिए ना। छोड़ना। ढूंढने के लिए थोड़ी ना पकड़ा था मैडम। चलिए बस पास में ही है, एक एक कप कॉफी। देखिए आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे। छोड़िए ना। फिर से गलती कर रही है मैडम। बिना एफआईआर के हाथ भी लगाया तो बहुत भारी पड़ेगा। हाथ लगाया नहीं ना, अब हाथ लगाऊंगी एफआईआर के बाद। गिरफ्तार भी करूंगी और हाथ भी लगाऊंगी, और ऐसा हाथ लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर हमारा हाथ याद रखोगे, समझी? अरे तो जाइए ना, पहले एफआईआर लेके आइए, फिर करिए जो करना है। अब करिश्मा मैडम बोलेंगे कि एफआईआर लिखवाओ, और लड़का होकर हम लड़की वाला एफआईआर लिखवा नहीं सकते, और इस बात पर आज करिश्मा मैडम हमको इतना मारेंगे कि चीता से बिल्ली बना देंगी भाई। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.